गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज हम आर्ट किट बनाएंगे। इसे बनाने के यहाँ पर मैंने लिया ये बॉक्स। तो गाइज ये मेरा पिछले दिवाली का बिस्किट का बॉक्स था, तो मैंने यही यूज़ किया और मैं अपने सारे क्राफ्ट का सामान इसमें रखती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ग्लेस पेपर कलर पेपर है और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स का कटिंग होती है गाइज वो भी मैं इसमें भाल के रखती हूँ। तो आप देख सकते हो होम मेड ग्लेस पेपर से ये मैंने क्यूब बनाया था छोटा सा, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप देख सकते हो कि आप भी इसे बना सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे। तो गाइज अभी हमने यहाँ पे लिए हैं आइसक्रीम स्टिक्स और यहाँ पे मेरे पास लेस भी पड़ी थी और यहाँ पे मेरे पास वायर भी था। तो गाइज मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि जैसे कि गाइज आपके घर में भी ये जो गाइज टेप है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सभी चीज़ों का लिंक जो भी हमने होममेड किए बनाए हुए हैं वो दे दूँगी आपको। तो गाइज मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि जैसे कि आपके घर में भी एडवर्टाइजमेंट्स पेपर आते रहते हैं, जैसे कि गाइज उसमें क्या होता है एक साइड पे ना कलर पेपर होता है और एक साइड पे ना कुछ लिखा होता है बट एक साइड प्लेन होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो अपने क्राफ्ट में। तो गाइज मैंने उसका बहुत यूज़ किया है और गाइज मैं ऐसे ही ना अफोर्डेबल थिंग्स का यूज़ करके अपनी क्राफ्ट बनाती हूँ और मैं आपको दिखाऊँगी। लास्ट में मैंने बहुत क्राफ्ट बनाई हैं, कुछ कुछ का ही मैं आपको दिखा पाऊँगी। गाइज मैंने ज़्यादा से अपने स्कूल में सबमिट करवा दी थी क्योंकि गाइज ज़्यादातर मैं स्कूल के लिए बनाती हूँ ना क्राफ्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये राखी का है, मेरे पिछले साल की राखी का ये बच गया था तो मैंने ये भी यहाँ पे रखा हुआ है ताकि कभी कभार यूज़ में आ जाए। तो गाइज मैं तो क्या करती हूँ ग्लेस पेपर की कटिंग भी नहीं फेंकती क्योंकि गाइज आप देख सकते हो जो फ्लावर का प्रिंट था वो कितना ब्यूटीफुल है, आप उससे कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं कलम भी थी और यहाँ पे गाइज मेरे पास ये वाइट पेपर्स हैं जिसे मैं ग्लेस पेपर बनाने में यूज़ करती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सेटिंग कर रही थी और तो गाइज अब मैंने सेट करके रखा सब चीज़ें। तो गाइज इसे अफोर्डेबल थिंग्स आप यूज़ कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं आप उसे फेंको मत बल्कि उसे रख लो ताकि इन फ्यूचर आपको यूज़ में आ जाए। तो गाइज छोटी छोटी चीज़ भी हमें यूज़ में आ जाती है। मैं तो क्या करती हूँ गाइज ग्लेस पेपर की कटिंग्स भी फेंकती नहीं हूँ, मैं उस भी यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कार्ड में देखो कितना अच्छा प्रिंट था, तो मैंने इसे भी रखा हुआ है ताकि मैं इसे हैज़ अ वाइट पेपर भी यूज़ कर सकती हूँ, हैज़ अ गोल्डन पेपर भी मैं इसे यूज़ करती हूँ हैज़ कर सकती हूँ क्योंकि इसमें प्रिंट बहुत अच्छा था। यहाँ पर मेरे पास वूल भी है। तो गाइज आप ऐसी थिंग्स को जो है इकट्ठा करके अपने क्राफ्ट बना सकते हो अफोर्डेबल, कुछ भी आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं। आपको पता है ये जो क्राफ्ट किट है ये मेरी आई थिंक सिक्स्थ क्लास से मैंने बना के रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने क्राफ्ट किट के साथ। तो आप देख सकते हो ये मैंने टैग भी रखे हैं संभाल किट का। गाइज आप देख सकते हो उस टैग पर कितने ब्यूटीफुल डिज़ाइन बने हैं जो कि हम क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बस हैंगल का ही टूट गया था तो मैंने ये भी संभाल के रख लिया ताकि गाइज मैं इसे इन फ्यूचर यूज़ कर सकूँ। आप देख सकते हो हमारी क्राफ्ट किट बिल्कुल रेडी है विद अफोर्डेबल थिंग्स जो कि आपके घर में ईजिली कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्लिप भी पड़ा तो मैंने सोचा डेकोरेट के लिए ये भी रखी लेती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो आप ये ज़रूर से जो है ग्लेस पेपर की वीडियो मैंने दी लिंक दिया है तो आप ज़रूर से वीडियो देखना, तो आप देख सकते हैं ऐसे वेस्ट थिंग से आप अपनी क्राफ्ट किट बना सकते हो, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये क्यूट सा जो है ये डीआईवाई मैंने बनाया था इसी क्राफ्ट किट की मदद से। तो गाइज मैं सच्ची में बता रही हूँ सभी क्राफ्ट जितने मैं आपको दिखाऊंगी तो ये आपने देखा होगा ये जो क्ले से बनाया था, तो मैं ये भी लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये भी प्रोजेक्ट था मेरा स्कूल का तो ये भी मैंने इसी क्राफ्ट किट की मदद से बनाया है और ये भी। और गाइज कैलेंडर का वीडियो भी मैं आपको दे दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आप देख सकते हो ये सभी चीज़ें। तो गाइज यहाँ पे मैं लास्ट में आपकी फ़ोटो भी दे दूँ तो गाइज ये देख सकते हो ये भी मैंने बनाया था और ये मैं स्कूल में सबमिट करवा दिया था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती।